शाहीन बाग में काफी दिनों से बल्कि बितले महीने से विरोध चल रहा है, CCA NPR NRC को लेकर यहाँ विरोध चल रहा है। कल यहाँ पर एक घटना हुई, इस घटना में एक शख्स ने पिस्टल लहराया और उसके बाद फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक शख्स घायल भी हो गया। काफी दुखद घटना है ये। इस घटना का जितना विरोध करें उतना कम है, जितनी इसकी मजम्मत की जाए उतनी कम है कि कैसे कोई शख्स आकर फायरिंग कर सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो ये है कि इस शख्स को सम्मानित किया जाएगा। आप चौंक रहे होंगे कि जिस शख्स को सजा देनी चाहिए, जिस शख्स को इस काम के लिए उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको ये कौन लोग हैं जो सम्मानित कर रहे हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो, मैं हूं आपके साथ यासिर मसरूर। हम बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की तरफ से यह ऐलान हुआ है कि जिस शख्स ने कल फायरिंग की है, जिस शख्स ने कल शाहीन बाग में गोली चलाई है, हम उसको सम्मानित करेंगे। यहां तक उन्होंने कहा कि हम इसके केस की पैरवी भी करेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं, ये हमारा हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। एक 17 साल के लड़का फायरिंग करता है, आप सोच सकते हैं कि उसके दिल में दिमाग में कितना जहर भरा होगा जो उसने हिम्मत जुटाई कि वो हजारों की संख्या में जो धरना है, हजारों की संख्या में भीड़ जमा है, वहां पर आकर किस हिम्मत से फायरिंग करता है और फिर खुद को गिरफ्तार भी करवा लेता है। ये किस तरह का हिंदुस्तान आज हम बना रहे हैं। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, ये वही महासभा है जब इन्होंने गांधी जी के पुतले पर, यहीं से पूनम शकुन पांडे थी जिन्होंने गांधी जी के पुतले पर 3 गोलियां मारी थी, बाकायदा उस पुतले से खून भी निकलता हुआ नजर आ रहा था। गांधी जी पीस चाहते थे, गांधी जी ने हमेशा अहिंसा की, हिंसा के वो खिलाफ थे। लेकिन आज जब गांधी जी की डेथ होती है 30 जनवरी को, शौर्य दिवस के तौर पर बहुत से संगठन इस दिन को बनाते हैं, ऐसे ही अलीगढ़ में अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी इसको शौर्य दिवस के तौर पे बनाता है। मीठी खीर का वितरण होता है, नाथूराम गॉड से नाना आपटे की प्रतिमा पर माला चढ़ाई जाती है और दीप से उनकी आरती उतारी जाती है। उप अध्यक्ष गजेंद्र गोपाल आर्य का कहना यह है, एक उन्होंने विवादित भाषण दिया है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो देश का विभाजन नहीं होता, गांधी जी अगर नहीं होते तो हिंदुस्तान का विभाजन नहीं होता, गांधी जी ने हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदुस्तान को रोक लिया, गांधी जी के कारण ही हमारा देश आज हिंदू राष्ट्र राम राज नहीं बन पाया, आज ये एक धर्मशाला बन गया है। इस तरह का विवादित बयान उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिस तरह के धरने चल रहे हैं गांधी जी के फोटो को लेकर, ये देश को विभाजन करने वाले कार्य कर रहे हैं। आज हम खुद सोचे कि आज हम किस जगह खड़े हो गए हैं, आज हमारे युवाओं को कहां लाकर खड़ा कर दिया है हमारी इस तरह की सोच ने। एक सोच ये होने चाहिए कि देश तरक्की करेगा। मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारे प्रधानमंत्री हमें सीख देते हैं कि हम पढ़ाई करें, आगे बढ़ें और हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। लेकिन कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इस तरह के बयान देके युवाओं को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आप इस तरह के संगठनों के लिए, या जो बच्चे डाइवर्ट हुए हैं, जो बच्चे रास्ते से भटक गए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, या शाहीन बाग में जो कल घटना हुई है उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ आपके साथ होगी मुलाकात। आप बने रहिए द इंडियन इन्फॉर्मेटिव स्टूडियो के साथ।